परसों एक भाई और मिल चुका है मुझे, अब भाई कह रहे हैं कि मुझे भी जरूर दिखाओ भाजी। क्या गांव नाम कच्चा पक मेर गांव पटून से ग्राम सभा पटून ब्रू काला गुरतर। अच्छा आप लोग जले बले फैली दोस्तों मैं यहाँ गेंद के मेले में आ चुका हूँ कांडी कसल यानी थल नदी। तो भाजी मुझे मिल चुके, भाजी क्या नाम है आपका? मैं शशि भूषण अमूली प्रवक्ता इंटर कॉलेज दियोला पोखाल में। तो भाजी एक कौतिक मेला जो लगता है ये कितने सालों से लग रहा है यहाँ? ये लगभग 200 वर्षों से ज्यादा इसको यहाँ पर हो गया है जी। और बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक यहाँ पर गेंद मेले का आयोजन होता है। इसमें कुछ ही देर के बाद लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे गेंदी खेली जाएगी, जो कि अजमेर और उदयपुर दोनों जो पट्टियां उनके मध्य में बहुत ऐतिहासिक गेंद यहाँ पर खेली जाएगी। लगभग रात के 9-9 बजे तक वो गेंद यहाँ पे खेली जाती है। भाजी ये कितने दिनों तक यहाँ मेला लगता है? ये लगभग विगत 1 जनवरी से मेला यहाँ पे शुरू हो चुका है और कल ये मेला समापन होगा 16 तारीख। अच्छा तो कल यहाँ पर प्रोग्राम किस चीज का है? कल यहाँ पर हमारे सुप्रसिद्ध लोक गायक और प्रीतम वर्तमान जी, जिनको जागर सम्राट कहा जाता है, वो कल यहाँ पर होंगे और यहाँ पर आकर के वो तमाम जो यहाँ के जो जनता है उनको अपने प्रस्तुतियों से यहाँ पर लोगों को। अच्छा, तो भाजी एक बात बताओ जोर कितना लगा अजमेर की तरफ लगा? देखो मुझे लगता है कि इस बार अजमेर पट्टी शायद जीतेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा बार बार वही जीतेगी, बार बार कई बार हार भी जाते हैं लेकिन इस बार अजमेर पट्टी जीते। अच्छा अच्छा एक चीज बताओ आप कि मतलब ये जो भू कानून बन रहा है उत्तराखंड में जी, आप किस नजर से देखते हो भू कानून को? भू कानून तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई हम सबको लड़नी होगी जी। और बिना आंदोलन के, बिना घर घर के जब तक इसमें आंदोलन नहीं होगा तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आपका गांव वैसे कहाँ है? मेरा गांव सब यमकेश्वर ब्लॉक में ग्राम हमोला ताचला मेरा गांव। चलो बहुत बहुत बाजी को मिलके बहुत अच्छा लगा। और जितने भी यहाँ पर और है बाजी, यहाँ पर पूरी टीम है यहाँ पर आ रखी है। बाजी एक चीज बताओ ये पूरी टीम कहाँ से है? तो इधर टीम है ये लोग, ये जनप्रतिनिधि हमारे बीच में जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रुचि कंत्रा जी, उधर जिला पंचायत उमरोली आरती गौड़ जी। जी जी तो दोस्तों हमें एक अंकल जी मिल गए हैं जनता वृद्ध आश्रम एवं मिलन केंद्र कश्यप ऋषि आश्रम थल नदी। तो बाजी ये समाज सेवा करते हैं, एक बार मैं बाजी के पास चलता हूँ और बाजी से समाज सेवा के बारे में जरूर पूछेंगे। टीम डाल जो खोला। अच्छा कहाँ के हो आप? गांव चला बगेलो। अच्छा बाजी ये बात बताओ आप समाज सेवा कितने सालों से कर रहे हो? मैं 1993 से 93 से जी। अच्छा तो समाज सेवा कहाँ कहाँ करते हो आप? यहाँ थल नदी महावगढ़। अच्छा अन्य जगह कोई शादी विवाह वगैरह में सहयोग देना। अच्छा गरीब लड़की की शादी है तो वहाँ राशन पानी की व्यवस्था करना। अच्छा है जी हाँ, उनको वस्त्र वगैरह दिलाना। अच्छा पलंग बिस्तर वगैरह में गरीब परिवार जो कोई हो उनकी सेवा में करते हैं। समिति की तरफ से खाना बना रखा? अब नहीं बनाया तो अपनी तरफ से है, लेकिन समिति जो है उसका जो उनके समिति वालों को जो है वो पेमेंट करेगी। अब भाई खाने में आपने पहाड़ी खाने का बना रखा है? कनाली है भात। कनाली भात, उसके साथ और कुछ है? नहीं सलाद। सलाद है जी। कनाली भात और बाजी समाज सेवा बहुत करते रहते हैं। तो बाजी इसके अलावा और कहीं और जगह भी जाते हो? हाँ कहीं अगर किसी ने बुलाया या किसी को मालूम चला तो चले जाते हैं। चले जाते हैं। इसके अलावा आप जॉब करते थे पहले? क्या करते? पहले जॉब करता था गुरुद्वारे में सिंह सभा द्वार। सिंह सभा द्वार पर? अच्छा तो वहाँ से आपने समाज सेवा शुरू कर दी? बहुत बहुत धन्यवाद बाजी। मैं इधर चलता हूँ, बाजी ने बना रखे काली भात, अब देखा पहाड़ी भोजन, ये देखिए भात बन रखा है यहाँ पर, ये देखिए काली किस्म है यहाँ पर भाजी ने देखे पहाड़ी भोजन बना रखा है यहाँ पर, मस्त लगे। तो हम भी अभी स्वाद चखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप बैठ गए, समय झंडा आ चुका है, चलते गेंद के बीच। नाम क्या था? चोपड़ा। चोपड़ा अच्छा नाम क्या था? गुदामरी देवी। गुदामरी देवी ग्राम चोपड़ा। अच्छा अतगढ़ में कोई जी? कोई नहीं अकेला। मेले में के जा तो कन कन की देख भी और खाए भी। अच्छा खाए भी देते तो जले बले खाते थे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा तुम अच्छे अच्छे ने खा ले? अरे मैंने खा ले। हम भी खा लेता पहले बताओ। तुम उदयपुर बिट था अजमेर बिट था? तुम हम तो अजमेर। अच्छा अजमेर बिट जोर का नाला कौन था? जोर का नाला कौन? अब भैया अपना 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 सकरा सब बिकता ना
और बाकी वो भगवान से हम कुछ हवा चला ठीक है बहुत के बीच कुछ चला ठीक है। तो दोस्तों मैं कुछ लोग इधर भी बैठे हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए मूंगफली खाने में व्यस्त हो रखे कौती मेला में। तो दीदी लोगों को बता, दीदी लोग आप कैसे बैठा गाँव का नाचा पर हमारे चौरा कनापुर दियो महापर क्षेत्र। अरे महापर तो तुम उदयपुर मजा जयपुर मजा अजमेर मजा अजमेर में जोर करना लगन वाला जोर करना लगन वाला जोर दा ब्याज मेरे में लगना। अच्छा अजमेर में लगना। अच्छा कोती मेले में के खाया अपन बस इल्ला पठे जावे एकदम अच्छा मु को खावे जोर दी सब एक ही गांव पर जाके अलग अलग छे हम पन करीब हम एक ही क्षेत्र को एबडी जावा। अच्छा सब मगर बैठी मिली जुली में बखा ये हमार गांव बड़ी बेटी छ ना। अच्छा ये मैं दाई बेटी। अच्छा कह दे बेटी ये बताओ यार मैं तो मैं प्यार अपन मैं तो गांव बड़ी मेरे भतीजी छ। अच्छा भतीजी जी ने अच्छा ये बताओ जलेबी जलेबी खाचेंगे क्या? हाँ जलेबी खाएं। खाचेंगे? तो अलाचा। हाँ। आइए गड़ो गीतू के रान जेंदम देखो तू। गड़ो अगर नहीं आना तो कुछ। कुछ कीर्तन और तो नान डाला? हाँ। कीर्तन नान कीर्तन। अच्छा कुछ नहीं आना? नान। अच्छा तो मेला का तो 3 तक चला लेगा? मेला 3 दिन तक अंदर चल देगी। 3 दिन तक चला? हाँ 3 दिन तक आप लोग के टेटी जा मतलब दोस्तों ये गेंद का बेला का आनंद उठा रहे हैं। अब और चलते हैं कहीं और, इधर भी और कुछ भाई बहन खड़े हैं और एक भाई अकेला बैठा है यहाँ पर भाई के पास। चलते भाई कहाँ से हो आप? मैं यहीं से। यहाँ से कहाँ से? गांव का नाम क्या है? खिडवा। खिडवा? अच्छा उदयपुर से? जयपुर से? पता नहीं मैं तो पहली बार आर का मेले देख। अच्छा वैसे कहाँ रहते हो आप? मैं ऋषिकेश। ऋषिकेश रहते हो? अच्छा जोर किधर लग रहा है वैसे कुछ पता है मेले में क्या क्या देखा आपने यहाँ? तो बस दुकान वगैरह ही देखी। कुछ खाया भी है यहाँ? कैसा लग रहा है यहाँ का मेला आपको? अच्छा अच्छा लग रहा है। शहरों में लगता है ऐसे? हाँ लगता है। अच्छा वैसे मेरे लगते होंगे ना? रौनक नहीं रहती है वो रौनक जो यहाँ है ना, और धूप भी मस्त खिली है। चलो बहुत बहुत दर पे अकेले बैठे होते बाजी। और चलते बाजी लोग कुछ मूंगफली खा रहे हैं। और बाजी बाजी आप गाँव के राजा? हाँ और बड़ी हूँ। बड़ी हूँ बड़ी हूँ। अच्छा तो आप भी जाना? आप उदयपुर बैठते हैं? जयपुर बैठते हैं? उदयपुर। उदयपुर जोर कर अलग नहीं पता शाम तक पता चला। हाँ शाम तक अभी कुछ पता नहीं चला। उन ज्यादा जोर चला लोगों उदयपुर उदयपुर में। अच्छा यहाँ मेला में तुम के जाके कभी मेला में के जाके भी चले भी चले सब सुनती बाइक के देखो। अच्छा चले भी चले भी बाइक में जा खाना है। अच्छा गांव तुम्हारी नहीं से खींचे है? एम के सर में से। अच्छा और ये आप लोग किन्दी बीच में पड़ता? ना जी डर लगा। डर लगी भयंकर बिंदी होता। अच्छा हम भी दिखा रहे बहुत भयंकर। एक का मैं एक चढ़ू। चलो और कुछ लोग इधर बैठे देखते हैं होल्ड करते हैं। दोस्तों कुछ भाई बंधु के पास भी चलते हैं। इधर इधर खड़े भाई बंधु गाँव का है हमारा भाई। हमारा तो सोनीपत में हरियाणा। सोनीपत से हो आप भी? सोनीपत से? बंजुरक। आप बंजुरी? आप हांगर। हांगर तो ये बात आप किसके साथ आ रखे हो? ये भाई जी के साथ। अच्छा भाजी के साथ। अच्छा ये बताओ आप हरियाणा से आ रखे हो? हमारे यहाँ गेंद का मेला है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हो? अच्छा इससे पहले कहीं नहीं गए? इससे पहले मतलब पत्रा में गढ़वाल में यही हूँ। यही घूमे? अच्छा कैसा लग रहा है हमारा उत्तराखंड आपको? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया लग रहा है तो यहाँ घूमते रहोगे? अच्छा बाजी तो अब दोस्त जी नहीं। अच्छा तो आपका नाम जोर लगने पर? अब तो उदयपुर। अच्छा उदयपुर जोर लगने पर ज्यादातर जीतू तुम? उदयपुर जीत। अच्छा ज्यादातर लोगों की डिमांड उदयपुर की तरफ की है, जितनी भी डिमांड है उदयपुर वाले। और चलते हैं कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर भी बैठे हुए आनंद ले रहे, धूप के आनंद में बैठे हुए हैं। और इधर भी बैठते दीदी आपका नाम क्या था? मेरा नाम पूनम नथाड़ी। अच्छा क्या दो नाम का? हम ठांगर बेटे हैं। अच्छा ठांगर बेटे? आप तो ठांगर बेटा? हम सब ठांगर। अच्छा और मेरा तिखा कहीं जाएगा? कहीं बेटा ब्याह बेटा? ना ना बस आ जाओ आप पहली बार आ रहा है तो मेला का आनंद उठाने देगा? क्या क्या जाएगा भी आप लोगों ने मेला में? बस के देखना बस घूमना चाहो दुकान देखना चाहो। अच्छा कुछ खाए पिया चीजें देखा? बस खाने ही तो चाहो ना ना जलेबी अब खोला। अच्छा और कुछ पहाड़ी गीत के रहा जैसे ना आप लोग बताए तो पहाड़ी गीत आन तो चिन पर हैं अभी अभी आ रही है तो मेला में आप पहली बार आई चाहो? मेला में तो हमारे बचपन से ही एक चीज हमारे की हम तो गढ़ पटूने की छह बहुत नजदीक छ हमारे तो मेला में तो हर साल में और अच्छे लोग की अगर हमारे मेला कुछ
समिति लोग आओ और पैरट जो हमारे अब तो लोग भी कम रह गए लेकिन जो हिसाब से लोग अभी भी हैं तो वह हिसाब से ठीक लगना मतलब ये साल जी मैं उदयपुर हूँ उदयपुर कोशिश बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गेंद आगे पहुंच चुकी है। एक बार फिर नीचे चलते हैं ग्राउंड की तरफ और गेंद को भी दिखाते रहेंगे साथ साथ क्योंकि गेंद आगे पहुंच चुकी है लास्ट स्थिति पे पहुंच चुकी है। देखते हैं आखिर फैसला किधर की तरफ आता है और लगभग टाइम तो गेंद पहुंच चुकी है रगड़ की तरफ भी दिखे रगड़ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर इतने खतरनाक जगह बहुत सामने की पीछे की तरफ पहुंच चुकी है और चलते एक बार और देखो तो गेंद अजमेर की तरफ आ चुकी है इधर लगभग अजमेर वाले जीते जाएंगे जहाँ तक उम्मीद आ रहा है। ये देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों अजमेर की तरफ आ चुकी है गेंद जो लगा अजमेर की तरफ दोस्तों देखिए गेंद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों अभी देखिए कंडाली भी है यहाँ पर देखो दोस्तों कोई चीज नहीं देखा अभी काफी देर हो गया इनको यहाँ पर आधा घंटे से ऊपर हो गया यही फंसी पड़ी हुई गेंद गेंद ऊपर की तरफ ला रहे हैं कंडाली में देखो दोस्तों ऊपर की तरफ आ रहे हैं ऊपर आ चुकी है यहाँ पर कंडाली तोड़ रहे हैं फंस चुके हैं पर गेंद बहुत खतरनाक कर रही है कितने लोग का भीड़ लगी पड़ी है ऊपर भी खड़े होकर हम लोग तो दोस्तों गेंद भी वहीं पर अटके पड़ी है तो अब हम जरा ऊपर की तरफ चलते हैं ये देखिए अभी गेंद ऊपर ही भीड़ लगी पड़ी यार पता नहीं तो चलते हैं मैं इधर ऊपर की तरफ चलता हूँ खतरनाक भीड़ लगी यहाँ पर कहाँ लोग खड़े हो रखे ऊपर खेतों की तरफ पूरा जहाँ भी लोग खड़े हो रखे मेले देख लिए और गेंद का इंतजार कर रहे कि किधर की तरफ जाएगी गेंद चलते इधर और आगे चलते हैं खतरनाक हो गया ये देखो दोस्तों भीड़ देखी काफी सारी भीड़ लगी पड़ी है और चलते हैं आगे के तरफ चलते रहते हैं और दिखाते रहते हैं लोगों को जितने भी लोग दिखते रहते हैं हम सब के वीडियो बनाते जाते हैं देखे दोस्तों कैसे बैठे दीवार पर बैठे हुए हैं धूप सेक रहे आराम में बैठ के और इधर जलेबी की तरफ तो बहुत ही भीड़ लगी है जलेबी लेने वालों की और एक बार जलेबी वालों की तरफ चलते हैं क्योंकि कौतिक मेला में आते हैं जलेबी ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है देखिए यहाँ पर बन रही है करारी करारी जलेबी है देखिए
देखो चले भी लिया तुमने अच्छा क्या और क्या क्या जाग लिया लम्मा और चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ भी भाई बंद जलेबी खा रहे मस्त हो गया जलेबी का बाजी जलेबी का स्वाद अच्छा है मजा आ रहा अच्छा पहली बार आ रही मेले में फर्स्ट टाइम आ रहे बाजी चलो और भी चलते हैं ये भी देखो सबके सब इंतजार कर रहे हैं अपने कब हमें जलेबी मिलेगी काफी भीड़ लगी है और चलते हैं दोस्तों इधर और इधर फल फ्रूट वाले भी है फल फ्रूट भी बेच रहे हैं अमरूद वगैरह लगे पड़े इधर भी ये दोस्तों चलते हैं आइसक्रीम वाले रेडी वाले के पास हाँ जी कहाँ से हो आप आइसक्रीम खाने में मस्त हो रहे क्या यहाँ पर कौन से गाँव से हो आप सर्दियों का आइसक्रीम खा रहे हो यहाँ पर अच्छा फुल मजा ले रहे हैं ठंडे लग रहे हैं आइसक्रीम खा के मैं अभी खाई नहीं अच्छा गाँव का आपका गाँव का है उमरौली 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 कहाँ पड़ता है पड़ता है देखो कुछ बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं फुल इंजॉय ले रहे पर सर्दियों में भी आइसक्रीम चल रही है यहाँ पर और चलते हैं यहाँ पर छोले वोले लगे पड़े हैं यहाँ पर तो भीड़ कम है आगे काउंटर पे ज्यादा भीड़ है और यहाँ भी देखे आइसक्रीम पे जल्दी चूक दो लोग इधर आइसक्रीम भी इधर भी खा रहे हैं ये देखिए आइसक्रीम का फुल इंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों और हम चलते मंच की तरफ भी चलते हैं और दिखाते रहेंगे और तो दोस्तों लगभग भीड़ भी कम हो रही है जा रही है देखिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग तो निकल चुके हैं कितनी भीड़ आ रही है नीचे से धीरे धीरे सब निकल रहे हैं सनसेट भी होने जा रहा है थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा अभी गेंद वहीं पर अटकी पड़ी है अभी चलते हैं हम उधर की तरफ धीरे धीरे सब मेले से अपना लेते हुए जलेबी लेते हुए चल रहे दोस्तों गेंद अपने नीचे की तरफ आ गई है देखो दोस्तों कहाँ गेंद लेकर कहाँ से नीचे आ गई है देखिए दोस्तों उदयपुर की तरह जोर लग रहा है बस ये देखो दोस्तों पाए आगे उधर की तरफ गेंद आगे दोस्तों गेंद आ चुकी है उदयपुर की तरफ आ गया जोर लग गया है नीचे आ गया रगड़ में आ गई गेंद देखिए दोस्तों यहाँ पर कांटे भी थे इतने सारे कांटे लगे हुए थे कांटे भी नहीं देखा इन्होंने और अब देखे गेंद को ले चलते उदयपुर की तरफ चल रही है इस समय जोर लग रहा है उदयपुर की तरफ कहाँ से चलेगी गेंद नीचे दोस्तों